मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। जी तो रेडी है हमारी क्रंची क्रिस्पी चिकन स्टिक। ये अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टिक। अगेन बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप आराम से इसे बना के फ्रीज़ कर लें और फ्रीज़ करने के बाद बॉक्स में भरें और रख दें, और जब आपका दिल चाहे इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। टी टाइम में बनाइए, बच्चों को स्नैक में बना के दीजिए। इसके लिए मुझे चाहिए चिकन ब्रेस्ट, मैंने लिया हुआ है, और इसको मैंने आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से ब्रेस्ट पीस लेकर मैं पूरा ले लेती हूँ, और फिर अपनी मर्जी से जो है ना उसको आप कट कर लें इस तरह से। ऐसे स्टिक में मैंने ये इस तरीके से इसे मैंने कट कर लिया था, और इसमें सिर्फ मैंने नमक और विनेगर यानी कि सिरका मिला कर रख दिया था तकरीबन 2 घंटा पहले। और अगर आप चाहें तो इसमें आप हॉट सॉस और सोया सॉस थोड़ा सा मिला सकते हैं। मैं वो भी मिला के कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें सिरका और नमक लगा के इसको रख दिया था। तो अभी फ़िलहाल इसे करते हैं साइड पर, और मैं इसकी बाकी चीज़ें आपको बताती हूँ। ये है जी मेरे पास मैदा, 1 कप मैंने मैदा लिया है, और कॉर्नफ्लावर मैंने इसके अंदर डाला है 4 टेबलस्पून। काली मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून फुल भर कर ली है मैंने। नमक हसबे जायका है, क्योंकि चिकन में भी नमक डाला है मैंने, और थोड़ा मैंने यहाँ लिया है। रेड चिली है मेरे पास टेबल स्पून है, ये 1 टेबल स्पून रेड चिली है। और ये जी मेरे पास है गार्लिक पाउडर, और ये है 1/2 टीस्पून। तो इसको हम डाल देंगे इसमें जी। तो मैदे में मैंने सारी सीजनिंग जो है वो डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसको हम कर देते हैं साइड पर। और नेक्स्ट क्या करना है हमने, मेरे पास है यहाँ 2 एग, इनको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। एग को बीट अच्छे से, जी तो एग हमारा अच्छे से बीट हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं चिकन, और सबसे पहले चिकन को मैं डालूँगी मैदे वाले मिक्सचर में, क्योंकि मैदे में ही हमने सारे नमक मिर्च सारे सीजनिंग डाली थी, तो चिकन पे सबसे पहले वो बहुत अच्छे से लग जाए। ये हो गया इस तरह से ये, और अब मैं इसको डाल दूँगी एग वाले बैटर में, और अच्छे से ये, और हम डालेंगे इसको ब्रेड क्रम्स में। सिंपल एंड दैट्स इट। और ये करने के बाद आप इसे अगर फ्रिज में रखते हैं, 1/2 घंटा भी काफ़ी है ताकि ब्रेड क्रम्स हमारे सेट हो जाएं, क्योंकि अगर हम जब फ़ौरन फ्राई कर लेते हैं तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो उतरने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी टिप है कि आप इसको पहले रख दीजिए और 1/2 घंटे बाद फ्राई कर लो। जी ये हो गए हैं जी रेडी। देखा आपने कैसे झटपट जल्दी से रेडी हो गई हैं ये। इस तरह से बना के आप आराम से इसको फ्रीज़ कर लें। अब मैं रखती हूँ इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर हम करेंगे इसे फ्राई। ये तो ऑयल हो गया है गरम, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन स्टिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ही गरम हमें चाहिए। अच्छा, डालने के फौरन बाद आपने इसको हिलाना नहीं है जी। तो ये हो चुकी हैं,
और इन्हें मैं निकाल लूँगी पहले टिश्यू पर। देखिए इस तरह से मैंने इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लिया था ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका जो है वो ऑब्जर्व हो जाए टिश्यू में। तो रखते हैं यहाँ पे, बिस्मिल्लाह, इस तरह से गर्म है काफ़ी। और ये देखें, ये देखें, ये आपको पता लग रहा होगा ये कितना क्रिस्पी, और ये देखें कितना क्रंची क्रंची सा साउंड आ रहा है इसका, और ये बहुत ही यम्मी बनती हैं। बनाइए, इंजॉय कीजिए जी। तो रेडी हो गई है हमारी चिकन स्टिक, और यहाँ मैंने रखनी है इसके साथ सॉस। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सॉस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए, ये जी तैयार है मज़ेदार क्रंची एंड क्रिस्पी चिकन स्टिक। बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और मुझे दीजिए आप इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। रखिए अपना ख्याल और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।